प्लीज बात तो करो। सॉरी, मुझे रियलाइज हो गई है मेरी गलती। आई थिंक रिया के बहुत ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस चल रहे हैं, आई वुड से, बिकॉज़ एक तरफ ज़मीन का पट्टा मिल चुका है दार्जी को, जिसकी इतनी जद्दोजहद चल रही थी फ्रॉम द डे वन, और दूसरी तरफ जो रिया का बचपन का सपना था वो पूरा होने जा रहा है, बिकॉज़ यू नो घर के सारे मेम्बर्स अब रिया की इस शादी के, इस यू नो जो उसने फैसला किया है उसके फेवर में है। तो रिया बहुत खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं वीर उससे नाराज़ हो गया है, तो वो वीर को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको ये चीज़ की इस चीज़ का डर भी है कि वीर उसको मना ना कर दे शादी के लिए, क्योंकि उसने एक बहुत ऐसी गलती कर दी जिससे वीर बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है। सो रिया इज़ यू नो स्लाइटली अपसेट ऑल्सो एंड मोर हैप्पी। नहीं, रिया को नहीं पता कि अमृता को हर्ट हो रहा है, ये सिर्फ अमृता और वीर के बीच में चल रहा है, क्योंकि रिया को फिलहाल कुछ नहीं पता, रिया को सिर्फ वीर और अमृता की क्लोजनेस से प्रॉब्लम है, तो उनको कैसे दूर किया जाए उसके दिमाग में बस वही चीज़ें सब चलती रहती है, क्योंकि रिया ने बचपन से लेकर आज तक वीर को किसी और लड़की से बात करते हुए देखा ही नहीं है उसके अलावा, तो उसके दिमाग में सिर्फ इतना है कि वीर मेरे अलावा किसी और से बात ना करे बस। हाँ वो चाहती है कि अमृता जहाँ से आई थी वहाँ पे चली जाए, क्योंकि उसका जो यू नो रिया का जो फैमिली है वो धीरे धीरे एक एक करके सब अमृता के यू नो क्लोज होते जा रहे हैं उससे।